सो so, हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वी फॉर वैल्यू में तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये रहा विप्रो इन्फोसिस और टी तीनों ही आई सेक्टर की जो सबसे पड़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो इतना ज़्यादा डाउनफॉल दिखा चुके हैं तो इसके पीछे का रीज़न क्या है आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि तीनों कंपनियाँ फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है बट क्या ऐसे रीजनस निकल के आ रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी आज के टाइम पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है साथ ही हम बात करेंगे कि कंपनी आने वाले टाइम पर और कितना ज़्यादा डाउन जा सकती है इसके अलावा हम किस प्राइस रेंज पे इस पर बाय करें ताकि एक अच्छा टारगेट अचीव करके हम एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सके तो ये सारी बातें आज, आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी बहुत ही जल्दी और सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए वीडियो शुरू करते हैं बट उससे पहले ऐसी वीडियोस रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके सो लेट्स मूव टू द पॉइंट देन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा जो न्यूज़ निकल के आ रही है आप जैसे कि देख पा रहे इन्फोसिस विप्रो अल्ट्राटेक सीमेंट टाटा स्टील हिंडाल को हिट द फिफ्टी टू वीक लो आपको जैसे कि पता होगा अभी के टाइम पे आईटी सेक्टर सीमेंट सेक्टर स्टील सेक्टर जितने भी ये सारे सेक्टर्स से, हैं वो अपने ऑल टाइम लो को टच कर चुके हैं तो इसके पीछे का जो रीज़न है आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे एंड एकानिक स्लो डाउन और अनदर फैक्टर्स मे बी इफेक्ट द हेल्थ ऑफ द यू एस यू के एंड यूरोप यूनियन ऑस्ट्रेलिया एंड दीज इंडस्ट्री वेयर आई टी रेवेन्यूज आर कॉन्सेंट्रेटेड तो ये सारे मेनली रीजनस है जिसके वजह से अभी के टाइम पर ये सारे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस कर रहे हैं और अपने ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि अभी के टाइम पे आपको पता होगा इंडियन इकोनॉमिक भी जीडीपी जो चल रही है वो माइनस में चल रही है लास्ट क्वार्टर में माइनस जीडीपी आई थी और अभी आने वाले दो क्वार्टर्स में भी ये प्रोडिक्शन आ रही है कि वो माइनस में ही रहेंगे तो इस वजह से ये सारे स्टॉक्स अभी के टाइम पे इतना ज्यादा डाउनफॉल फेस कर रहे हैं देन अगर हम बात करें कंपनी के बारे में तो अभी के टाइम पे आप जैसे कि देख पा रहे कंपनी अपने ऑल टाइम लो से अगर बात करें विप्रो की क्योंकि सबसे ज्यादा डाउनफॉल विप्रो में देखने को मिला है तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 41 परसेंट के डाउन ट्रेंड दिखा चुका है विप्रो तो आप अगर जैसे कि इसका पीई ए रोशो देख पा रहे तो ये दिख रहा है आपको 18.87 तो जब ये अपने ऑल टाइम हाई पे था, था तो ये अराउंड 30 पे था बट अभी के टाइम पे 18 पे जा चुका है और प्रिडिक्शन ये लगाई जा रही है कि आने वाले टाइम पे इसका पी रेशो समवेयर अराउंड 15 को टच कर सकता है वहाँ से आपको इसमें एक कमबैक देखने को मिलेगा तो अगर हम बात करें अगर 15 पे इसका पी रेश्यो जाता है तो कितने प्राइस रेंज पे इसका शेयर की वैल्यू जाएगी तो इसके शेयर की वैल्यू जाएगी समवेयर अराउंड 360 तो 370 टू के बीच में तो अभी भी आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट अगर बात करें 40 परसेंट के अलावा तो आप कह सकते हैं कि आराम से अभी के टाइम पे इसमें सात से दस परसेंट के बीच में अभी के टाइम पे और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है ये मार्केट में जिस तरीके की अभी के टाइम पे सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ मे भी हो सकता है कि इससे ज्यादा भी डाउनफॉल दिखाई मेबी तो ये पंद्रह के जैसे पीई टच करेगा उसके बाद ये शायद कम बैक आपको दिखाने की कोशिश करेगा बट मैं इस चीज का दावा दे सकता हूँ कि जिस दिन आई टी सेक्टर या अगर हम बात करें पर्टिकुलरली विप्रो के बारे में तो ये दोनों चीजें जब ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो कई सारे इन्वेस्टर्स के लिए इन्हें पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे आपसे एक स्ट्रांग रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज अभी के टाइम पर स्टॉक को बिल्कुल मत बेचिएगा क्योंकि अगर आप बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कंसिस्टेंटली कंपनी ने एक अच्छा ग्रोथ दिखाया चाहे कोविड नाइन्टीन हो या चाहे कुछ भी हो कंपनी ने अपने ग्रोथ से कम्प्रोमाइज नहीं किया और अपने ग्रोथ को कंसिस्टेंटली बेसिस पे बढ़ाता हुआ दिखाया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है एंड आई होप आने वाले टाइम पे ये इसे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट जाएगी तो कंपनी काफ़ी अच्छी है फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग है मैनेजमेंट भी स्ट्रांग है जस्ट बिकॉज मार्केट की सिचुएशन और न्यूज़ के कारण अभी के टाइम पर इफेक्टेड है और यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जब आपको एक बेहतरीन कंपनी कम प्राइस पर मिलती है तो बेशक आप इसमें बाय कर सकते हैं अगर इसका पी इेश -E समवेयर अराउंड फिफ्टीन टू तो सिक्सटीन पे जाता है हाँ टारगेट जो मैं से देना चाहूँगा वो रहेगा मेरा टारगेट वन एट हंड्रेड का एंड टारगेट टू जो मेरा रहेगा वो रहेगा वन थाउजेंड का टाइम ड्यूरेशन जो मेरा रहेगा वो रहेगा वन पॉइंट फाइव टू टू ईयर्स के बीच का मुझे आप बताइएगा कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू और आप क्या सोचते हैं आईटी सेक्टर और इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में सो so, जल्दी मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अगर आपके पास थोड़ा सा और समय इन्वेस्टमेंट को देने के लिए तो मेरी एक लाख से एक करोड़ एक स्टॉक ने कैसे बनाया मात्र एक साल में ये वीडियो आप जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपको जानने को मिलेगा कि कैसे आप ऐसा स्टॉक फाइंड कर सकते हैं सो जल्दी मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे से फैंड गुड बाय थैंक यू दोस्तों